बोर्डिंग पास का चालान दे देंगे यहाँ का पंडा। तो यहाँ पे देखो एंट्री पास के लिए यहाँ पे आपको जितने भी ये लोग पंडा बाबा लोग दिख रहे हैं, जय बाबा बैजनाथ, जय हर हर महादेव, जय बाबा बैजनाथ। आज दिनांक 12 जुलाई, आज ही के दिन श्री नरेंद्र मोदी जी बाबा बैजनाथ धाम की नगरी देवघर आए हुए थे। पिछले साल जो है सावन 14 जुलाई से लगा था, 13 जुलाई को पूर्णिमा था और 14 जुलाई को जो है सावन स्टार्ट हुआ था, और इस बार जो है 4 जुलाई से सावन स्टार्ट हो गया। तो आज ही के दिन 12 जुलाई के दिन जो है श्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे बाबा बैजनाथ धाम की नगरी देवघर में वो पधारे थे आज ही के दिन। तो आज के दिन आप लोगों को यहाँ पे हम दिखाएंगे कि बाबा बैजनाथ धाम की नगरी में कैसा भीड़ है 12 जुलाई को, और पिछली साल आप लोगों को दिखाएंगे वीडियो कि पिछली साल कैसा यहाँ पे सीन था और श्री नरेंद्र मोदी जी कहाँ से इंटर किए थे और कैसे यहाँ पे जल अभिषेक किए थे, बाबा बैजनाथ ज्योतिर्लिंग को पूजा किए थे। और आज ही के दिन 12 जुलाई के दिन ही आज एयरपोर्ट का जो है उद्घाटन हुआ था, देवघर का जो एयरपोर्ट है आज ही के दिन उद्घाटन हुआ था। एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के बाद ही श्री नरेंद्र मोदी जी बाबा मंदिर में पधारे थे, उसके बाद यहां से जो है देवघर कॉलेज में कुछ वो भाषण देने के लिए गए थे। चलिए आप लोगों को दिखाते हैं कि यहां पे कैसे वो पूजा किए थे और पिछले साल जो है इस प्रांगण में इस जगह पे क्या सीन हुआ था। वहां पे जो आप देख रहे हैं उस जगह पे पिछले साल तो पूरा मंदिर जो है पूरा सजा दिया गया था और पूरा का पूरा जो है खाली था, पूरा मंदिर खाली था, सिर्फ जो है पुलिस और तीर्थ पुरोहित पंडा बाबा लोगों से भरा हुआ था। बाकी उस जगह पे जो है सीन हुआ था उसी जगह पे, वहाँ पे आया था कुछ पुलिसकर्मी और वहाँ पे जो पंडा बाबा लोग सब अपने अपने गद्दी पर बैठे थे, वहाँ से जो है सबको निकालने के लिए बोला जा रहा था कि यहाँ से सारे पंडा बाबा जो है सबको यहाँ से निकल जाएं। और हम जो है वहाँ माँ तारा मंदिर के बाहर में बैठे हुए थे, उसी चबूतरे पर बैठ के वहाँ पे हम श्री नरेंद्र मोदी जी का वीडियो बनाए थे जब वो इधर से पूजा करके निकास द्वार से निकले थे इसी जगह पे। अब चलिए दिखाते हैं आप लोगों को कि यहाँ पे पिछले साल 12 जुलाई को क्या सीन हुआ था, क्या हुआ था टोटल मुद्दा आप लोगों को हम दिखा। एक तरफ बाबा का आशीर्वाद और दूसरी तरफ ईश्वर रूप जनता जनार्दन का आशीर्वाद, दोनों आशीर्वाद कितना बड़ा शक्ति देते हैं वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता झारखंड को दूसरा एयरपोर्ट मिल रहा है। देवघर एयरपोर्ट से हर साल लगभग 5 लाख यात्रियों की आवाजाही हो पाएगी, इससे कितने ही लोगों को बाबा के दर्शन में आसानी होगी। उस कार्य संस्कृति को लाए हैं, उस राजनीतिक संस्कृति को लाए हैं कि जिसका शिलान्यास हम करते हैं उसका उद्घाटन भी हम करते हैं। जब हम जनता की सुविधा के लिए कदम बढ़ाते हैं तो राष्ट्र की संपदा का निर्माण भी होता है और विकास के नए अवसर भी बनते हैं।
यहाँ पे अभी हम देवघर बाबा वैद्यनाथ धाम की मंदिर में हैं और यहाँ पे अभी माननीय प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं। इसके लिए पंडा बाबा लोगों को यहाँ से निकाला जा रहा है। आप लोग देख रहे हो सब पंडा बाबा विरोध में डटे हुए हैं कि हम लोग मंदिर खाली नहीं करेंगे। और यहाँ पे एक साइड में पुलिस वाले लोग हैं जो खाली करवाने के लिए लगे हुए हैं। और हम लोगों का मांग ये है कि हम लोग मंदिर खाली नहीं करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो इसका मतलब नहीं है कि देवघर से पंडा बाबा को मंदिर से निकाला जाए। अगर मंदिर से पंडा बाबा निकल गया तो फिर पूजा कौन कराएगा? आप लोग देख रहे हो सारे पंडा बाबा लोग यहाँ पे डटे हुए हैं। चेकिंग हो जाए, चेक कहलाता है वो, पीएम का प्रोटोकॉल है। अगर चेक नहीं कर पाएंगे ना, मंदिर जाकर गेट पर है सब चेक कर देंगे। चेक कर लीजिए, हम लोग तो चेक कर लीजिए। सर 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 दिल्ली चेक कर लिया जाए ना, सब यही होगा। यही नहीं हो पा रहे हो एक साइड, एक काम करो ना, जितने पंडा जी पंडित भीतर ने पूजा सभी बाहर निकाली, अकेला पूजा करते अभी क्या आप लोगों को हम दिखाते हैं कि कौन से रास्ते से श्री नरेंद्र मोदी जी अंदर आएंगे, मंदिर में प्रवेश करेंगे। यह है वीआईपी रास्ता, यही रास्ते से श्री नरेंद्र मोदी जी आएंगे अंदर। और आप लोगों को हम दिखाते हैं किधर से जाएंगे। ये रास्ते से अंदर आएंगे और ये जो कारपेट बिछा हुआ है इसी से वो मंदिर के अंदर में जाएंगे। ये मंदिर का कार्यालय का इलाका है और यहाँ पे जो है कुछ पंडा बाबा बैठे हुए हैं। जब मोदी जी आएंगे तो उनके लिए शंख बजाया जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हो आप शंख रखा है तो उनके लिए शंख बजाया जाएगा। तो यहाँ पे आपको जितने भी ये लोग पंडा बाबा लोग दिख रहे हैं ये सारे शंख बजा के मोदी का स्वागत करेंगे। तो सबके हाथ में आप शंख देख रहे हो, शंख रेखा वो एक सभी अपना अपनी, तो शंख बजा के ये लोग स्वागत करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री महोदय का अभिवादन किया जा रहा है और हम लोग उत्सुक है। आपका आपसे अनुरोध है गोपाल महोदय से, मंजूनाथ भजंत्री जी की तरफ से, कि सभी अपनी अपनी जगह पर रहे मौजूद। Yeah.
माननीय प्रधानमंत्री जी पूजा करके बाहर निकल चुके हैं, अभी यहाँ पे स्टेज में कुछ एक मिनट का भाषण देंगे। जय श्री जय श्री। प्रधानमंत्री महोदय का आगमन हो चुका है, वो आसन ग्रहण करने की कृपा करें। और अब जय श्री जिनके प्रशस्त ललाट से ही दैवीय अंश होने की झलक मिल जाती हो, जिनकी प्रखर वाणी से श्रोताओं में विश्वास की नई चेतना सृजित हो जाती हो, संदेश दे जाता हो और जिनका विलक्षण उद्बोधन आम आवाम के विश्वास और आत्मविश्वास को परवान चढ़ा जाता हो तथा जिनका अविवेकपूर्ण और धर सम्मत कृतित्व जन जन के नैसर्गिक और ऐतिहासिक क्षण को अविस्मरणीय बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय प्रधानमंत्री महोदय को एक आध्यात्मिक स्मृति चिन्ह भेंट करने जा रहे हैं। और स्मृति चिन्ह भेंट करके जो बाबा बैद्यनाथ मंदिर का एक प्रतिरूप है, जय बाबा बैजनाथ, जय बाबा बैजनाथ। बिजू थके तो यहाँ पे मोदी जी का जो है कार्यक्रम खत्म हो चुका है और सब मंदिर में श्रद्धालु लोग आने लगे हैं। अभी पंडा बाबा लोग जो हैं वो लोग पूजा कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर में श्रद्धालु लोगों का एंट्री हो जाएगा। कुछ कुछ देखे बोलबम ड्रेस दिख रहा है तो सबको अंदर आ रहे हैं। ते हैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय। जय बाबा बैद्यनाथ, हर हर महादेव।